हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर सर्दियों की खास रेसिपी अलसी की पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, ये बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। ये जितना ज़्यादा पौष्टिक है उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी है और सबके लिए फायदेमंद भी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अलसी का पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, वेट में 300 ग्राम है। सबसे पहले हम आटा को छान लेंगे। इसके बाद हम इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना है, इसमें हम सिंपल सा पानी डालकर जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे हम इसको गूंथ कर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला है क्योंकि पराठा मीठा बनाना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। इतने में हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम अलसी लिया है। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और इसको इसी तरह से चलाते रहना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये चटकने लग जाएगा और इसको रोस्ट होने में 5 से 6 मिनट लग जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक रोस्ट किया है, इसका कलर चेंज हो गया है और ये चटकने लगा है। ये देखिए हल्का से फूल भी गया है। तो अलसी रोस्ट हो चुका है, इसको अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसको मिक्सर में हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, या फिर आप चाहे तो इसको हल्का सा क्रश भी कर सकते हो। और ये देखिए मैंने अलसी को हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही मैं 1/2 कप के लगभग मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने मूंगफली को रोस्ट करके लो फ्लेम पर इसका छिलके उतार लिया है। इसको भी हम हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इसमें भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। और ये देखिए मैंने मूंगफली को भी हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम के लगभग में गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो गुड़ को कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हो और गुड़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कितना मीठा पसंद करते हैं। और सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। गुड़ सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और ख़ासकर सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये देखिए पराठा के लिए स्टफिंग तैयार है और आटा को भी रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और जिस साइज की आपको पराठा चाहिए उस साइज के लोइयों को तोड़ लें, उसको अच्छे से चिकना कर लें और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर इसको इस तरह से बॉल की तरह बना लेंगे, कटोरी की तरह। और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। इसमें हमें 2 से 3 चम्मच स्टफिंग भरना है और इसको हमें हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है इस तरह से। ये देखिए चारों तरफ से हमें प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सील करना है, तभी पराठा बिल्कुल फूला फूला बनकर तैयार होगा। ये देखिए पराठा बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए और इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसको निकाल देंगे और इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इसके बाद हम इसको हल्का सा सूखा आटा से डस्ट कर देंगे और इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इसको हमें तब तक बेलना है जब तक ये अलसी ऊपर से हल्का हल्का दिखाई ना देने लग जाए। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, नहीं तो पराठा फट जाएगा तो फूलेगा नहीं। ये देखिए अलसी हल्का हल्का दिखाई देने लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई। तो इस पराठा को हमें इतना ही बेलना है, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना होता है। अब हम इसको सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। इसको हम सावधानी से इस तरह से उठाएंगे दोनों हाथों की सहायता से और इसके बाद हम इसको गर्म तवे पर डालेंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। एक तरफ से जब पराठा हल्का सा सीख जाए इसके बाद हम इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और ये देखिए पराठा दूसरी तरफ से भी सीख चुका है। तो अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप इसमें बटर लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी में यह पराठा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और इसके बाद हम कपड़े से इसको हल्का हल्का से प्रेस कर देंगे जिससे पराठा हमारा पूरी तरह से फूल जाएगा। ये देखिए इतने अच्छे से पराठा फूल गया है। तो ये पराठा हमारा बनकर तैयार है। बाकी के सारे पराठे हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड पौष्टिक तत्वों से भरपूर ये अलसी का पराठा बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये आपके फैमिली में सबको पसंद आएगा, बच्चों बड़ों सबके लिए फायदेमंद भी है। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।